हेलो गाइस। तो यार ये क्या हो गया, आज फाइनली यार हमारा रेडमी के नोट 9 सीरीज के फोन्स लॉन्च तो यार हो गए हैं, पर यार शाओमी ने इस बारी दिल तोड़ दिया। मतलब यार मज़ा नहीं आया यार इस बारी, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी यार, कसम से यार नींद तक नहीं आई थी। बट क्या हो गया यार, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, सब पानी फिर गया। चलो बात करते हैं यार। सबसे पहले यार स्पेसिफिकेशंस बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही नोट 9 की स्पेसिफिकेशंस, मतलब नोट 9 प्रो की, और ये रही हमारे नोट 9 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशंस। आप बोलोगे नोट 9 कहाँ गया, तो नोट 9 अभी लॉन्च नहीं हुआ है भाई, थोड़े टाइम बाद आएगा, वो P75 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। सो गाइस अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फोन्स में मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट रही और क्या चीज़ अच्छी नहीं रही है, जो कि आप भी यहाँ पर जानते हो। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर टेक से भी हैं मेरी तरह, वो जानते होंगे अपने टेक वाले भाई। सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो 6.67 इंचेस का दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब पोको के साइज़ का यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करके भी बताऊंगा बाकी स्मार्टफोन से जो कि अवेलेबल है, जैसे कि रियलमी के और पोको। तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, सेंटर में पंचोल आपको दिया गया है, कैमरास अलग अलग है दोनों ही मॉडल्स के अंदर। जैसे कि फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है प्रो मैक्स में, और नॉर्मल प्रो जो है उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। बट गाइस जो ये डिस्प्ले है वो कोई यहाँ पे 90 हर्ट्स वाली डिस्प्ले नहीं है गाइस, ये नॉर्मल डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो गाइस जो एकदम मक्खन वाला यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है वो आप भूल जाइए। सो गाइस आपको एकदम नॉर्मल 60 हर्ट्स वाला डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। 90 हर्ट्स होता तो यार काफ़ी बढ़िया होता। अगर गाइस यहाँ पे 90 हर्ट्स नहीं दिया तो यार ऐसे एमोलेड दे देना चाहिए था, एमोलेड दे देते तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे हजम कर लेते। पर गाइस यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिल रहा है दोनों ही फोन्स के अंदर। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे सही लगी प्राइसिंग। मतलब 13,000 रुपये में आपको नोट 9 प्रो देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 720G प्रोसेसर के साथ आता है, और दोनों ही फोन्स में सेम प्रोसेसर है यार, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई है। तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि डायमंड सिटी 800 आएगा, तो भाई वो तो यहाँ पर नहीं हुआ है। सो गाइस स्पेसिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा मैच करती है, और जो कैमराज है गाइस वो दोनों ही फोन्स में बिल्कुल सिमिलर जैसे ही है। जैसे कि मेन जो प्रो है उसमें यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और जो प्रो मैक्स है उसके अंदर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। हालांकि गाइस जो सेंसर यहाँ पर यूज़ हुआ है वो दोनों ही फोन्स में सैमसंग का सेंसर है। फॉर एग्जाम्पल गाइस जो हमारा नॉर्मल प्रो वेरियंट है उसके अंदर हमें यहाँ पे सैमसंग का GM2 सेंसर देखने के लिए मिलता है, वही जो 64 मेगापिक्सल प्रो मैक्स में है वो GW1 सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि गाइस जैसे कि मेरे पास पोको X2 तो उसका कैमरा बहुत ज्यादा लाजवाब है, यहाँ पर सोनी का MX686 सेंसर के साथ आता है, तो गाइस होप थी कि यही सेम सेंसर हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगा, पर यार ऐसा नहीं हुआ, और मतलब एकदम से पानी फिर गया यार सारी मतलब जज्बातों पे, तो यार बिल्कुल मजा नहीं आया कैमरे के मामले में एटलीस्ट। बट गाइस जहां पे मजा आया वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यार कसम से यार एकदम चुम्मेश्वरी, यार चुम्मेश्वरी डिज़ाइन है गाइस इस फ़ोन का। मतलब यार क्या बताऊँ मैं, मतलब दिखने पे पीछे से जो कैमरा बम्प है यार वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे जो S20 सीरीज है, जैसे कि S20 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन आया, तो यार उस पर तो यार एकदम मैं फिदा हो गया। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा यार मुझे। और गाइस सबसे कमाल की बात, इस बार जो फ्रेम है स्मार्टफोन का वो भी यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम है, प्लास्टिक फ्रेम नहीं है जैसे कि आपको शाओमी या फिर बाकी के रियलमी के डिवाइसेज में देखने के लिए मिलता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। और ग्लास है गाइस आगे पीछे। अब गाइस यहाँ पे एक नई चीज सामने आई कि जो इसका कैमरा का ग्लास है उस पर भी इन्होंने यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया, मतलब तीनों जगह आगे पीछे और कैमरा के लेंस पे। इसका मतलब ये कि नोट सीरीज में जो पहले स्मार्टफोन्स आए थे या फिर कोई जो शाओमी के पहले स्मार्टफोन्स आते थे उसमें कैमरा ग्लास में कोई प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलती थी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की। इससे ये पता चलता है जैसे कि आज इन्होंने लॉन्च इवेंट में यहाँ पे बताया था। और गाइस उसके बाद जो प्रोसेसर है जैसे कि मैंने बताया दोनों फोन में सेम है। अब गाइस काफी लोगों के मन में डाउट आता है कि हाँ यार प्रोसेसर सेम है तो इससे बेटर यहाँ पर रियलमी 6 है, जो कि हमें मीडिया टेक हीलियो G90T के साथ मिलता है 13,000 रुपये की प्राइस में, सेम प्राइस में मतलब नोट 9 प्रो जिसमें मिल रहा है। इवन की गाइस हमारे पास पोको X2 730G के साथ में, सो 720G और 730G और मीडिया टेक हीलियो G90T में कितना यहाँ पर फ़र्क है वो यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में डाउट है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अब हम कंपेयर करते हैं इसको रियलमी 6 एंड 6 प्रो से, तब गाइस फोन ही आए थे काफ़ी लोग यहाँ पर यार रियलमी को मतलब ऐसे गालियाँ दे रहे थे कि भाई फोन यहाँ पर इतना ओवर प्राइस कर दिया है आपने। सो गाइस अब यहाँ पर रियलमी का जो स्मार्टफोन है ना, मतलब यार अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इवन की गाइस मैंने भी बोला था रियलमी को कि यार क्या कर दिया ये रियलमी तो कबाड़ा कर दिया, बट गाइस अब समझ में आ रहा है कि रियलमी बहुत तगड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब शाओमी को यार देख सकते हो, शाओमी इस पॉइंट पे आ गया है कि इस टाइम पे रियलमी का स्मार्टफोन शाओमी से बेटर है। सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि अभी जो रियलमी 6 है वो मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ आ रहा है, जो कि गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू 720G या फिर 730G फर्क नहीं दिखता है। बट गाइस जी हाँ, यहाँ पर गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस आपको G90T में देखने के लिए मिलती है।
और गाइस जो 720 जी है वो आपको 6 प्रो में मिलता है, वो यहाँ पे आपको 17,000 रुपये में मिलता है, बट शाओमी आपको 13,000 रुपये में दे रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। रियलमी के जो गाइस नॉर्मल 6 है उसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो वो एक चीज़ है गाइस, वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया, मतलब पूरी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है। बट गाइस रियलमी के पास यहाँ पे 90 Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पे दे देता है। गाइस पर्सनली मुझे 90 Hz डिस्प्ले और 60 Hz में इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, बट आप 120 Hz पर जाते हो तो ज़्यादा यहाँ पर आपको फर्क पता चलेगा। बट गाइस अभी यहाँ पे 2020 आ चुका है और 90 Hz मतलब रिफ्रेश रेट एक बहुत बड़ा यहाँ पर हाइप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर बनता जा रहा है काफ़ी लोगों के लिए। पर्सनली मेरे लिए इतना ज़्यादा बड़ा मैटर ये नहीं करता है, मैं K20 Pro 60 Hz यूज़ करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पोको X2 भी यूज़ किया, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, बट लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इससे फर्क पड़ने लग गया है। सो वो आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायमेंसिटी 800 चिपसेट आएगा, 5G आएगा, 108 पिक्सल कैमरा आएगा, सो गाइस वो तो सब नहीं हुआ, दोनों फोन्स में सेम प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल गया। और गाइस काफ़ी लोगों के मन में यार ये डाउट आ रहा है कि मतलब रियलमी का फ़ोन लें 6 Pro, जैसे कि 6 Pro में 720G मिलता है, या फिर Note 9 Pro Max लें, या फिर Note 9 लें, या फिर Realme 6 लें, या फिर Poco X2 लें। गाइस सच बताऊँ तो मेरे को भी अभी कन्फ्यूजन हो गई है, मेरे को फ़ोन रिव्यू कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं नोट 9 करूँ, नोट 9 प्रो करूँ, या फिर रियलमी 6 करूँ, 6 प्रो करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सारे फोन्स खरीदना पॉसिबल नहीं है, कोई दो स्मार्टफोन्स में खरीद सकता हूँ, तो मैंने अपने चैनल पर पोल भी रखा, काफ़ी लोगों ने यार वोट किया नोट 9 प्रो मैक्स की तरफ, तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अभी मैंने Realme 6 को भी ऑर्डर किया, शायद से मैं उसको कैंसिल कर दूँ, तो भाई आप मुझे बताओ कि गाइस आप कौन से स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हो नीचे कमेंट्स करके, तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी गाइस जो यहाँ पे 730G मिलता है हमें Poco X2 के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का यार यहाँ पे प्रोसेसर हो जाता है, वहाँ पे आपको मतलब 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल रहा है। अभी मेरे पास Poco X2 नहीं है, बट गाइस मैं कंपैरिजन वगैरह यहाँ पे करूँगा, अनबॉक्सिंग वगैरह कंपैरिजन सब मिलेंगे मेरे को आपके अपने चैनल के ऊपर। सो गाइस वहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, डुअल यहाँ पे सेल्फी कैमराज देखने के लिए मिल रहे हैं, और गाइस वहाँ पे आपको 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग में मिलती है। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो दोनों फोन्स है ये वाले नोट सीरीज के, जो नॉर्मल नोट 9 प्रो है उसके अंदर आपको 18 वॉट की चार्जिंग मिलती है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार कमाल की बात है, 5020 mAh की। और जो प्रो मैक्स वाला वर्जन है हमारा, ऐसा आईफोन वाला नाम रख दिया, तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बढ़िया सा लग रहा है मुझे तो पर्सनली, वहाँ पर भी सेम बैटरी है 5020 mAh, बट गाइस वहाँ पे 33 वॉट की चार्जिंग और दोनों फोन्स में बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर मिल जाता है आपको, तो वो अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे आपको नेविक का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इंडिया का यहाँ पर GPS सिस्टम आप बोल सकते हो, तो उस तरीके से आपको ये काम करेगा, नॉर्मल सारे सिस्टम GPS वगैरह यहाँ पर सब मिल जाता है, बट इंडिया का यहाँ पर मिल जाता है 720G में, तो वो अच्छी बात है। बाकी यार यहाँ पे IR ब्लास्टर वगैरह, टाइप सी का पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्वाड कैमरा का सेटअप है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, 3 कलर्स यहाँ पे आए हैं, एक इंटरस्टेलर ब्लैक है, और ब्लू कलर है आई थिंक, और एक वाइट कलर यहाँ पर है, तो गाइस कलर्स यहाँ पे कुछ ये मिल जाते हैं आपको। बाकी जो Realme 6 Pro जैसे कि उसमें फ्रंट में आपको वहाँ पर भी आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, दोनों फोन्स के अंदर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, और दोनों फोन्स के अंदर गाइस यहाँ पे 64 MP का कैमरा दिया गया है। सो गाइस Realme काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यार आगे बढ़ता जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर 64 MP बेस वेरियंट में भी और हायर वेरियंट में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। और गाइस ओवरऑल मतलब जो Realme 6 Pro उसमें फ्रंट कैमरे में भी आपको वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी गाइस यहाँ पे नोट 9 सीरीज में भी आपको कुछ नए फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि व्लॉग मोड तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर प्रो मोड भी है गाइस, वो भी वीडियोज़ के लिए, यहाँ पर आपको रॉ फोटोज़ का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ये कुछ नए फीचर्स है गाइस जो कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी यहाँ पे इंप्रूव की गई है, बताया जा रहा है कि फ्लैगशिप लेवल जैसा आपका एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा इस बार, जो वाइब्रेशन मोटर है उसको इंप्रूव किया गया है, तो वो देखना होगा गाइस टेस्ट करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। तो ओवरऑल यार मुझे नोट सीरीज का फोन मतलब डिजाइन वाइज काफी अच्छा पसंद आया है, प्रोसेसर गाइस ठीक है, मैं इतना गेम्स वगैरह नहीं खेलता बट खेलूंगा तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यार कैमरा के मामले में डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे हुई है। और दूसरी चीज़ की गाइस यहाँ पे आपको कोई रिफ्रेश रेट हाई देखने के लिए नहीं मिलता है, सो गाइस ये दो मेन डिसअपॉइंटमेंट थी यहाँ पर। और बाकी प्राइसिंग यार अच्छी है, शाओमी हमेशा से प्राइसिंग यहाँ पे अच्छी रखता है, तो इस बार भी प्राइसिंग अच्छी है। स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए भाई स्टिल मैं बोलना चाहूँगा कि जो Poco X2 है गाइस वो मच बेटर डिवाइस है, हायर रिफ्रेश रेट, स्क्रीन HDR10 का सपोर्ट भी गाइस मैं बताना भूल गया कि आपको नोट 9 सीरीज के अंदर HDR10 का यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, सो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा काफ़ी लोगों के लिए, मतलब यार क्योंकि लॉन्च इवेंट में ऐसा हाईलाइट नहीं किया है तो वो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि देखने के लिए मिलता है, Poco X2 में वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस ओवरऑल सोनी का IMX686 सेंसर मिल रहा है Poco में आपको, जो बहुत ही कमाल का यार यहाँ पर कैमरा स्मार्टफोन में, ऑलरेडी इस पर कवर कर चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे ओवरऑल थॉट्स है यार, आप बताओ आपका क्या यार यहाँ पर चॉइस होगी और आप कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हो। यार मैं पर्सनली कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, शायद से मैं नोट 9 प्रो लूँ या फिर मैक्स लूँ,
देखते हैं यार क्या होता है, बाकी कंपैरिजन वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।